वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर ईच एंड एवरी वन। आज है साल का लास्ट दिन, यानी कि 2020 का लास्ट दिन, 31st of December 2020, और बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं वेलकम 2021 को। मैं जा रही हूँ आज अमृतसर में साल के लास्ट दिन को इन्जॉय करने के लिए और न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए। रात को मैं जा रही हूँ एक न्यू ईयर पार्टी में, जिसको मैं करने वाली हूँ शूट, और उसका भी लोग आप लोगों के सामने बहुत जल्दी रखूँगी कि हम लोगों ने न्यू ईयर का वेलकम कैसे किया। और इसी के साथ आज के वीलॉग में आपको दिखाऊंगी कि हमने साल के लास्ट दिन को कैसे सेलिब्रेट किया। लास्ट दिन और मैं आ चुकी हूँ मॉल में, ट्रिलियम मॉल में हूँ मैं इस वक्त अमृतसर के, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्रिसमस ट्री दिखाया जो बहुत ही सुंदर और प्यारा है, आई एम लविंग इट। थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं साल के लास्ट दिन में, और साथ में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी मस्ती, और उसके बाद रात को पार्टी के साथ 2021 का वेलकम करेंगे। हम लोग आ चुके हैं मॉल के अंदर और साल का लास्ट दिन है, बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं पिछले सारे गम दुख भुला के। तो कैसे, ओल्ड मॉल खोल ले के क्या खोल ले फिर? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं खोलना। अरे बिना दारू के कैसे गम मिटेंगे यार, पंजाबी है, मतलब पंजाबी लोगों को खुशी का मौका हो तब भी दारू चाहिए, गम का मौका हो तब भी दारू चाहिए, मतलब दारू पीने तो पार्ट नहीं है। मतलब कैसे, मतलब खुद बताओ कैसे? नहीं तुमको गम हो खुशी हो हर चीज में दारू चाहिए, तो मतलब क्या है ये? देख दारू पीते आए तो गम कम हो जाता है, हाँ। और खुशी में, खुशी दारू पीते हैं तो खुशी डबल हो जाती है। ये सब बात तो बकवास है। ओल्ड मॉन्क हो क्या, मस्त वाली लाइफ हो जाएगी। तो गाइस साल का लास्ट दिन है, हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू मी। और साथ में हम लोग जो रात को पार्टी करने वाले हैं न्यू ईयर की, और न्यू ईयर का जो वेलकम करने वाले हैं वो आप लोगों के साथ भी लोग भी जरूर शेयर करूंगी, और उसे जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप ये लोग देखिए, और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक नया चैनल शुरू करने वाले हैं, ऐसे ही जो अगर आप लोगों को हमारी मस्ती देखनी है, नहीं देखनी आप लोगों को नहीं बोला, बोला है काफी सारे कमेंट्स आए हम लोगों को, नहीं मैंने देखा बड़े कम आए हैं। हाँ लेकिन गाइस प्लीज और कीजिए, ताकि हम लोग अपनी यूके की सारी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। यहाँ पे सौरभ जेंटलमैन की तरह मेरा पर्स पकड़े हुए, सौरभ थैंक यू, यू आर सो स्वीट। मैं तो शॉपिंग भी करवाने वाली हूँ अभी। और ये देखो, मतलब आप शॉपिंग के पूरे बैग कर लिए, मैंने शॉपिंग कर लिए तो खुद पकड़ लिया है, और सारे बैग, सारे लिफाफे, पर्स सारे मेरे को पकड़ाए हुए हैं, ठीक है। ये है चालू लड़कियाँ, हाँ चालू लड़कियाँ देखो ऐसी होती है। ये देखो मेरी तरफ पर्स पकड़े है, लिफाफे पकड़े, जैकेट वाले लिफाफे पकड़े, और सौरभ ने पकड़ा है पर्स, जैकेट्स। बस बस बस, मतलब लड़के तो मिले ही यही है बाहर उठाने के लिए, नहीं और खर्चा करने के लिए। नहीं खर्चा, खर्चा एक बार बताओ, मैंने नहीं खर्चा किया ना इस बार, तो साथ सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हूं, हाँ। पैसे कमाती हूं, पाऊं, हाँ, खर्चा करने के लिए मेरा पर्स आता है, वॉलेट आता है। गाइस तो हमने 2020 की अपनी लास्ट शॉपिंग कर ली है, एंड वी आर सुपर एक्साइटेड कि आज रात को जो पार्टी में हम लोग धमाल करने वाले हैं उसके वीलॉग को शूट करने के लिए, तो स्टे ट्यून्ड और नेक्स्ट वीलॉग पक्का देखिएगा। Thank you.
दिस इज माई कॉफी एंड चेयर सारा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो इन्होंने फायर वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में होता है। मैंने यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है एंड आई लाइक दैट थिंग कि इन्होंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। दिस इज़ लुकिंग टू ब्यूटीफुल हेयर इन अमृतसर एंड दिस इज़ अ बार विच आई एम लाइकिंग इट। और साथ में है, उन्होंने हमें दिया है थोड़ा हीट वाला इन्वायरमेंट, इन्होंने कोयला यहाँ पे बर्न किया है। हाथ में दिखाना बीयर, बीयर पी हम कॉफी रे तो साल का है आखिरी दिन और साथ में वो चल रही है वाइन। चीयर्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। अभी मैं हूँ इलाइन कैफ़े में। मुझे नहीं पता मैं प्रोनाउंसिएट सही कर रही हूँ कि नहीं, और ये बहुत ही न्यू सा कैफ़े है अमृतसर में। आज हम लोग आए हैं साल का जो लास्ट दिन है यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, इवनिंग स्पेंड करने के लिए अपनी, और उसके बाद रात को हम जाएंगे न्यू ईयर पार्टी में। बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे जो एम्बियंस है, मैंने सुना हुआ था लेकिन आज मैंने देख भी लिया, इट्स सो प्रीटी, सो प्रीटी। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने फॉरन का, यानी कि यूरोप का लिया हुआ है, विच आई एम लाइकिंग इट मोस्ट। ये जो इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना प्यारा प्यारा बनाया है, आई एम लविंग दैट पोर्शन एज वेल। अगर आप मेरे साथ आओ मैं आपको बताती हूँ कि दिस कैफ़े इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफ़े इन अमृतसर। एंड मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, माई एक्सपीरियंस इज़ सो 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 गुड एंड स्टाफ इज़ सो फ्रेंडली। और दिस इज़ एक्चुअली मैजिकल गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको मैजिक की तरह फील होगा। एवरीथिंग इज़ सो 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 परफेक्ट। तो यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, तो ये तो रोमांटिक कपल की जगह है। तो गाइस बहुत जल्दी हम लोग अपने व्लॉग्स आपके लोग आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को हमारी ढेर सारी मस्ती दिखेगी, हमारा स्ट्रगल दिखेगा। यूके में रहना इतना आसान नहीं है, आप लोगों को खुद से काम करना पड़ता है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, उठा उठा के बोझा लेके आना पड़ता है। जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं है, उसके पीछे का जो कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स है, वो हम आप लोगों के सामने लेके आने वाले हैं। और सौरभ, हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस? दिस इज कूल यार, प्रीटी कूल। एंड गाइस हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी फैमिली को। सौरभ हैप्पी न्यू ईयर टू मी, टू मी नहीं तो उनको भी बोलो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो गाइस 2020 में जो भी हुआ उसको भूल जाइएगा एंड नई शुरुआत कीजिएगा 2021 में। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप सपोर्टिंग। तो गाइस अभी मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा और मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए और न्यू ईयर पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। हमारा साल का जो आखिरी दिन था 2020 का, वो बहुत अच्छे से गया और आप लोगों को भी अच्छा गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और साथ में टेक केयर, टाटा बाय, सी यू, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड स्टे ब्लेस्ड। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2021, नया साल आप सबको बहुत बहुत खुशियाँ दें।